أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी हो सैयदा किरण अली, अपना चैनल लेके दावत जुलशीरा। व्यूअर्स, आप तमाम लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, जीते रहें और हमेशा सलामत रहें। तो जनाब चलते हैं इस छोटी सी दुआ के साथ जनाब आज की इस अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं जनाब यहाँ पे आशियान की चिकन 65। क्या बनाने जा रहे हैं? शान की चिकन 65 रेसिपी, और वो भी बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ। तो जनाब यहाँ पे पैकेट का मसाला हम इस्तेमाल करेंगे शान का, और मैं अपना प्रिपेयरिंग मेथड आपसे शेयर करूंगी और जनाब आपको दूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स जबरदस्त से किस्म की। तो जनाब चलते हैं अपना इस चिकन 65 को बनाने के लिए। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए बोनलेस चिकन। मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़े से क्यूब साइज की हूँ, 1 kg की करीब मैंने यहाँ पे चिकन ले ली है। इस चिकन को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पे लूंगी 1 tablespoon, ओनली इनफ है। तो जनाब और हमें ऑयल चाहिए होगा इसके लिए, फ्राइंग के लिए। बेसिकली हम इस चिकन को सारे अपने स्पाइसेस डाल के मैरिनेशन के बाद इस ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे होंगे, तो आपको जितना फ्राइंग के लिए ऑयल रिक्वायर्ड होगा आप उतना ऑयल लेंगे। तो जनाब यहाँ पे हो गया अदरक लहसुन, फिर होगी इसके अंदर हमारी क्रीम। मुझे एक क्रीम का पैकेट पैक चाहिए पूरा, तो वो इसके अंदर जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे जो मेन हमारा इसका इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे कड़ी लीव्स। जनाब हमें यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 के करीब कड़ी लीव्स चाहिए, और इसकी बेहद महसूर कुन खुशबू होती है, और इसकी अभी पूरे मेरे घर के अंदर इसकी खुशबू जो है वो महक रही है। बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है एरोमेटिक इसका कहना चाहिए फ्रेग्रेंस होती है। तो जनाब यहाँ पे इसके बाद मुझे चाहिए आटा। तकरीबन मैंने यहाँ से 4 से 5 tablespoon के करीब लिया है आटा। यहाँ पे मुझे चाहिए चिली गार्लिक सॉस। तकरीबन मैंने यहाँ से 4 से 5 tablespoon के करीब चिली गार्लिक लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हरी मिर्चें। आपने हरी मिर्चें की जो सीड्स हैं वो निकाल लेनी है, और इसको इस तरीके से ऐसा स्लाइसेस में बड़ा बड़ा करके बारीक बारीक कट के जो है वो काट 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 लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे चाहिए जनाब नॉर्मल टमाटो केचप, वही सेम जो मैंने इसकी क्वांटिटी बताई आपको उसी के हिसाब से, जितना ये क्वांटिटी में इतना यही क्वांटिटी में हमारे पास जाएगा। चिली गार्लिक और नॉर्मल जो हमारे पास टमाटो सॉस होता है वो, ये दोनों नॉर्मल क्वांटिटी में जाएंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए बटर तकरीबन 2 tablespoon के करीब, और हमें चाहिए होगा यहाँ पे 2 lemons के जूस चाहिए हमें लेमन का, और जनाब हमें चाहिए यहाँ पे 1 अंडा। तो चले चलते हैं हम अपनी इस रेसिपी को क्विक क्विक बनाने के लिए। ये जो है बहुत जल्द क्विक इजी मेथड के साथ बनती है। हमने ये सारे स्पाइसेस इसके ऊपर लगाकर हार्डली 1/2 hour के लिए पहले छोड़ देने हैं मैरिनेशन के लिए, उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं अब यहाँ पे अपनी इस चिकन को मैरिनेशन के ऊपर लगाने के लिए। तो जनाब हम 1 by 1 करके इसके अंदर सारी चीजें डालते हैं। अदरक लहसुन जो मैंने आपसे बोला था 1 tablespoon के करीब इसके अंदर चला गया इस तरीके से। जनाब हमें चाहिए यहाँ पे लेमन का जूस इस तरीके से, हम लेमन का जूस, हमें 2 lemon इसके अंदर चाहिए, तो हम 2 lemon इसके अंदर इस तरीके से स्क्वीज करके डाल देंगे। आप देख सकते हैं उसका जूस इसके अंदर चला गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे जाएगा शान का चिकन 65 का मसाला इस तरीके से। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके यहाँ स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े कम खाए जाते हैं तो आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जनाब हमें यहाँ पे चाहिए फ्लोर, जो नॉर्मल व्हीट फ्लोर होता है आटा, वो मैंने आपको बताया था, वो हम इसके अंदर कर देंगे इस तरीके से ऐड। और इसके बाद इसको ऐड करने के बाद हम इसको रख देंगे अपने फ्रिज में तकरीबन 1/2 hour के लिए मैरिनेशन पर। तो मैं करती हूँ अब इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूंगी 1/2 hour के लिए। जी
वीवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चिकन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गई है अब मैरिनेट। तकरीबन इसको मैंने हाफ एंड आवर दे दिया। अब इसके अंदर जाएगा एक अंडा जो मैंने आपको बताया था जनाब, उस फेटा हुआ अंडा इस तरीके से, एक अंडा हम इसके अंदर डाल देंगे। और आप इस अंडे को इसके अंदर डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ वीवर्स, इसको मिक्स करने के बाद हमने जो अपने पैकेट का मसाला इसके ऊपर मैरिनेशन के लिए लगाया है, इसमें से थोड़ा सा मसाला हम बचा के अपनी ग्रेवी बनाने के लिए चिकन 65 की हार्डली 1 टेबल स्पून के करीब या इससे भी थोड़ा कम, हमें सिर्फ थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसके साथ, तो हम उसको बचा के रख लेंगे अपनी एंड में ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं चलती हूँ अब इसको फ्राई करने के लिए। अंडे को पहले करूंगी मिक्स और उसके बाद मैं इसको करती हूँ फ्राई। जी वीवर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक ले लिया है पैन और इसके अंदर हम करेंगे ऑयल गरम। ऑयल हमें इतना ही रिक्वायर्ड है जितना हमें अपनी बोनलेस चिकन इसके अंदर करनी होगी फ्राई। और हमें अपनी चिकन ये जो हमने मैरिनेट करके रखी थी 1 by 1 करके हम अपनी चिकन इसके अंदर कर लेंगे फ्राई और उसको क्रिस्पी गोल्डन करके फिर हम उसको निकाल लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं सारी चिकन के अपने जो क्यूब्स हैं वो इस तरीके से कर लूंगी गोल्डन क्रिस्पी टाइप के। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है स्पाइसेस की, तो मैं यहाँ पे इसको करती हूँ फ्राई। वेलकम बैक वीवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया इसको डीप फ्रायर में फ्राई। और जनाब यहाँ पे जो है बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड की तरफ जनाब, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो कि हम चिकन 65 की बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। जी वीवर्स, तो यहाँ अब हम बनाने जा रहे हैं अपने चिकन 65 की ग्रेवी। तो जनाब यहाँ पे हमें चाहिए पैन और इस पैन के अंदर मैं लूंगी बहुत लिटिल बिट ऑयल, तकरीबन समझ लें आपके 2 टेबल स्पून के करीब हार्डली, बस ये हमारे लिए एनफ है। और जनाब यहाँ पे जो हमने बटर लिया था 2 टेबल स्पून के करीब, वो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये हमारा बटर इसके अंदर चला गया इस तरह से, आप ये देख सकते हैं ये बटर इस तरीके से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। फिर हमने जो यहाँ पे लिए थे जनाब अपने करी लीव्स, जो मैंने क्वांटिटी भी आपको बता दी थी, मेंशन कर दी थी, ये करी लीव्स बहुत ही जबरदस्त इसकी फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर इसका लगेगा तड़का, ये लीव्स इसके अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये लीव्स हमने डाल दिए, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इस वक्त। इसको हम हार्डली सिर्फ 1-2 सेकेंड्स के लिए इसके अंदर करेंगे फ्राई। आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ये बहुत अच्छी सी इसकी फ्रेग्रेंस आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे करी लीव्स बहुत अच्छे से यहाँ पे हो गए हैं, तकरीबन हार्डली 2-3 सेकंड के लिए हमने इसको इसके अंदर जो है वो फ्राई किया है, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस आ रही है। अब मैं यहाँ पे जो हमने पैकेट का मसाला अपना बचाया हुआ था, सिर्फ आई थिंक इसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून थोड़ा सा माइनर सा हमने बचाया था, तो जनाब ये इसके अंदर चला गया हमारा चिकन 65 का मसाला। और जनाब इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून ले सकते हैं आप, टेबल स्पून ले लें, इट इज अप टू यू, लेकिन ये एडिशनल है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन इससे मेरा इस कड़ी का फ्लेवर मजीद इन्हांस्ड हो जाएगा, मैं इसलिए इसके अंदर इसको ऐड कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं इसको करती हूँ अच्छे तरीके से फ्राई, भुनाई मैं इसकी करती हूँ, फिर इसके बाद हमारे इसके अंदर जाएगा चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो सॉस जो मैंने आपको बताया था। चले मैं यहीं पे डाल देती हूँ, यहाँ गया हमारा चिली गार्लिक इस तरीके से।
बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही है। और यहाँ गया हमारा ये टोमेटो सॉस, इस तरीके से आप देख रहे हैं। और मैं अब इसको अच्छे तरीके से कर लूंगी फ्राई। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इस चिकन 65 की ग्रेवी हो गई है तैयार, और बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट है जनाब, मैंने टेस्ट करके देखा है। और इस आप देखिए इसकी प्रेजेंटेशन जनाब, अब ये चिकन है हमारा नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब ये चिकन 65 जिसमें जिसके मसाले में हमने ये चिकन फ्राई किया था वो चला जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी चिकन हम डाल देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपने ग्रीन चिलीज, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी ग्रीन चिलीज के अंदर चली गई, और अब हम इसको 5 मिनट के लिए करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। हार्डली 5 मिनट्स देंगे इसको, आप देखें इसकी ग्रेवी अपने आप ही कितनी थिक हो गई, और ये बहुत ज्यादा शोरबे टाइप का नहीं होता, इसके अंदर सालन नहीं होता, ये इसी तरीके से होता है बहुत ज्यादा थिक थिक। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कर रही हूं सिर्फ 5 मिनट और मिक्स मिक्स, स्लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है बस सिर्फ, ये हमारा ऑलरेडी डन है। व्यूअर्स देखें यहाँ पे आप कितना जबरदस्त इसका जो है वो कहना चाहिए कि प्रेजेंटेशन के लिहाज से इसके कलर्स और इसकी सब सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त इसके अंदर अरोमेटिक्स जो हैं वो स्पाइसेस गए हैं। तो जनाब मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ, तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इसका टेस्ट आया है बिल्कुल। और अब हमारा आ गया बिल्कुल एंड का टाइम, तो जनाब इस एंड के ऊपर हमने अपनी क्रीम इसके अंदर करनी है ऐड, और हमें क्रीम ऐड करने के बाद हार्डली 2 से 3 सेकंड के लिए इसे लो फ्लेम के ऊपर रख के डिश आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये क्रीम जो मैंने आपको बताई थी, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी क्रीम इसके अंदर चली गई, और मैं करूंगी अब इसको इस तरीके से मिक्स। जी व्यूअर्स, तो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाती हूँ चिकन 65 डिश आउट करके, बहुत ही जबरदस्त हॉट एंड स्पाइसी टाइप की, आप देख सकते हैं ये देखिए आप इसका कलर, इसका लुक, इसकी प्रेजेंटेशन अभी हम करेंगे। मैंने कहा मैं पहले आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं कितना इसका थिक थिक ग्रेवी आ रही है, आप ये देख सकते हैं, और ये इसी तरह ही बहुत जबरदस्त फ्लेवर के साथ बनेगी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से। हमने इसके अंदर जो अपने कड़ी लीव्स डाले जनाब, उसकी बहुत ही महसूर कौन स्मेल इसके अंदर आ रही है इस वक्त। तो जनाब मैंने इसको कर दिया है अब डिश आउट, और यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे अपनी ग्रीन चिलीज, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी ग्रीन चिलीज आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन 65 यहाँ हो गया है कंप्लीट फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त इसका कलर, इसकी प्रेजेंटेशन लग रही है, और ये खाने में भी इंतहाई जबरदस्त इसके स्पाइसेस हैं। तो जनाब आप मेरी आज की इस रेसिपी को करिएगा ट्राई अपने घर में। मैंने जो आपको टिप एंड ट्रिक्स बताई जो कि हमने आज बनाया चिकन के 65 शान के स्पाइसी मसालों के साथ, तो जनाब आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जो मैंने स्टेप टू स्टेप आपको सिखाई। तो जनाब मैं चलती हूँ और फिर हाजिर होंगी आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त सी जनाब धमाकेदार रेसिपी लेकर। तो जनाब अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तो जनाब अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। चलिए मैं जल्दी हूँ, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।